बोले सोनिहाल श्री अकाल। जोहार रायपुर। इस समय हम मौजूद है गुरुद्वारे में और आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ कई सारे सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं। मनजीत जी मेरे साथ हैं, मनजीत सिंह सालूजा जी, साथ में गुरुदत्त जी हैं और भी कई लोग उपस्थित हैं। मनजीत जी क्या बताएंगे, लगातार आप महीनों से इस सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं और गुरुद्वारे के द्वारा आप इतनी सेवाएं लोगों तक पहुँचा रहे हैं। विगत 20 मार्च से स्टेशन रोड गुरुद्वारा और सभी गुरुद्वारों से निरंतर सेवा की जा रही है, चाहे वो सूखा राशन हो चाहे लंगर हो। हमें जहाँ भी कोई भूखा या मजबूर व्यक्ति मिलता है हम उस तरफ चले जाते हैं और हर तरह से हम सेवा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस संसार में कोई भूखा ना रहे, ये हमारे गुरु नानक देव जी का आदेश है या उनकी सेवा है, जो हम किसी को भूखा नहीं देख सकते और उनको भूखा नहीं रख सकते। इसलिए सिख समाज पूरे संसार में बहुत ही सेवा भाव से सबकी सेवा कर रहा है और कोरोना से निपटने के लिए हम सभी तरह का प्रयास कर रहे हैं। मैं आम जनता से बताना चाहूंगी कि मनजीत जी रेलवे स्टेशन में जो गुरुद्वारा स्थित है वहाँ के सेक्रेटरी भी हैं आप। आपने बताया था कि आप कांकेर तक पहुँच गए थे ये सेवा करते हुए, कैसा रहा था? हमें किसी तरह से कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सिख समाज हमेशा अग्रणी रहता है सेवा में, तो इस सेवा में हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं हुई और हमने निरंतर सेवा की है। लेकिन जिन मुश्किलों को आपने देखा, जब आप बस वालों से ट्रक वालों से मिले तो कैसा अनुभव हुआ? उन्हें देखकर मन दुखी होता था पर हमने ये ठान लिया कि हमने सेवा करनी है, तो इसलिए हमारे मन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। आप क्या बताएंगे सर, क्या रहा अनुभव आपका? मेरा अनुभव रायपुर में जो कोरोना के लिए जो सेवा कर रहे हैं, गुरुद्वारा कमेटी वाले, सिख समाज वाले, सिंधी समाज वाले सब मिलजुल के सेवा कर रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं, और जो लंगर की सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान तो छत्तीसगढ़ सिख समाज हमेशा करते आया है और करते रहेगा। इसलिए हमने एक नया सोच की कि हर गुरुद्वारों में जाके जो भी लंगर की सेवा कर रहा है छत्तीसगढ़ सिख समाज जाके उनका सम्मान करे, उनको प्रोत्साहित करे और वो समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ के हमेशा सेवा कार्य करते रहें, लंगर अपना चालू रखें और घर में ब्रेकडाउन जो भी लोग हैं बाकी परिवार के सदस्यों को घर में रखें। जी हाँ, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब अपने घर में रहें और हमारा कार्य भी है कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे फरिश्तों को प्रोत्साहित करें ताकि आने वाले कठिन समय में भी ये ऐसा ही साथ हमारा देते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।